फोकस हो सकता हो तो दिखे उस साइड से दिखेगा, दूसरे से कर लो। हाँ दिख रहा है, दिख रहे गोल्डन कलर का है। और 912 की टीम भी पहुंची है, तो क्या कुछ पूरा मामला है वो पूरी बातें करेंगे इनसे। तब तक आप जितने साथी जुड़े तस्वीरें शेयर जरूर करें। और ये छोटा सा बच्चा है जिसके इलाज के लिए इसे यहाँ पर लाया गया था, लेकिन जो है डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही जो है फीस की मांग रख दी। तो क्या कुछ पूरे आरोप हैं और क्या कुछ पूरा मामला है, बात करेंगे इनसे। नमस्कार जी, मेरा नाम कपिल है जी, मैं पटेल नगर का वासी हूँ। मैं अभी इस टाइम खड़ा हूँ जींद रोड नरवाना खत्री हॉस्पिटल। ये बच्चा है जी 3 साल का, इसके माता पिता सरकारी जॉब पे हैं, तो ये घर पे हमारे घर छोड़ गए थे खेलने के लिए। खेल रहा था, खेलते खेलते बच्चे ने नादानी में अपने कान में एक छोटा सा मणका जो होता है वो डाल लिया जी। डालने के बाद अब मैं और मेरी मिसेज इसको लेके हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे, जो इनका स्टाफ था, स्टाफ से हमने कहा कि बच्चे को ऐसे ऐसे कान में दिक्कत होगी, ये परेशान हो रहा है, इसके वो निकाल दो। कह रहे जी 500 रुपये दे दो। मैंने अपने फ़ोन से कहा कि ये गूगल पे करवा लो, कहाँ करने हैं। तो इन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया, भाई गूगल पे हमारे पास नहीं है। मैंने इनको जवाब दिया भाई तुम जो है तुम्हारे 700-800 जो भी है एक्स्ट्रा ले गए कर लो, कैसे भी कर लो, पर पहला मनिया काट दो, पैसे दे दें। इन्होंने कहा ना जी इतने आप कैश हमें पैसे 500 रुपये नहीं देते ना, हम बच्चे के हाथ नहीं लगाएंगे, हम कोई इलाज नहीं करेंगे। अब ये कहाँ का कानून है भाई, हॉस्पिटल का जो भी काम होता है सबसे पहले तो मरीज का इलाज है। ये भाई सारे देखने लग रहे हैं, समझदार हैं ये भाई, इस बात पर सहमत है नहीं है भाई, यह बात भी पूछनी चाहिए सारी पब्लिक है। तो जब हम यहाँ आए थे जी, ये हॉस्पिटल है साथ में मेरी मिसेज, तो मणिया फंस रहा अभी, मणिया अभी भी फंस रहा है जी, अभी तक इलाज नहीं। किसने कही थी बात में काट देंगे 500 रुपये? डॉक्टर था कोई और था? ना डॉक्टर नहीं, इधर ही बुलाओ, डॉक्टर था कोई और था? डॉक्टर नहीं थे जी, यहाँ पे एक ब्लैक शर्ट में बंदा है जी वो खड़ा था, 3-4 और लोग थे जी जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, ठीक है जी। वो आई थिंक ये मेडिसिन की जो शॉप है इनकी, इसमें है वो बंदा जिसने ये बात कही। उन्हें पूरे कंफर्ट से ये कहा कि हाँ अभी निकालते हो, 500 रुपये दे दो। मतलब वो हॉस्पिटल का ही बंदा है, अगर मैं हॉस्पिटल में इलाज करा, मैं किसी और मरीज को ये थोड़ी कह सकूँ मैं तेरा इलाज मैं कर दूँगा, मैं डॉक्टर ले ले पैसे। तो ये बात थी जी, तो इलाज की बजाय फर्स्ट प्रेफरेंस ने 500 रुपये समझा। 500 रुपये आज के टाइम में मैं मानता भाई अपने बच्चे के लिए या पड़ोस का बच्चा, उसे 500 रुपये कैश का चक्कर है जी, कैश मांगे इन्होंने। मैं कह जी आप अभी करवा लो मेरे से, किसी और नंबर पे करा लो अगर ऐसी बात है तो, डॉक्टर साहब नहीं है भाई। हॉस्पिटल है, रजिस्टर्ड फर्म है, कैशलेस इंडिया है, बार कोड हर गोलगप्पे वाले की दुकान पे भी है, 1 मिनट 20 से सिस्टम नहीं चलता, कोई भी व्यापारी आदमी है ऑनलाइन पेमेंट हर कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये कानून भी है, तभी वो पक्के में चीज़ चलेगी, इसीलिए ये चीज़ें अपने सरकार ने कर रखी है। वो चीज़ इनके पास फैसिलिटी नहीं थी, तो वो इनकी गलती है या मरीज की गलती है, हम पैसे देने से मना नहीं कर रहे। हम 500, 700, 1000, 2000 या 5000 का मुद्दा लेके यहाँ नहीं आए हैं, मुद्दा पैसों का नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मुद्दा है सिर्फ एक, आने ते ही एमरजेंसी में हम आए हैं, जो आपकी एमरजेंसी फीस है वो कानून है, हर अस्पताल के वो ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल इलाज है। कितना समय हो गया आपने यहाँ? मेरे को यहाँ 1 घंटा हो गया जी। उससे उस दौरान कोई बड़ा डॉक्टर या कोई भी नहीं आया जी अभी तक, या हमें ये बोल दिया जाए, हम सब ने कहा ये सब ठीक है, पर हम इस बात ने माना भाई हमारे डॉक्टर रेफर भी करते हैं, लोग करते हैं जो हॉस्पिटल है, किसी का इलाज ना हो कहीं, कहते चंडीगढ़ जाओ, हिसार जाओ, जिस शहर में फैसिलिटी ना हो, हम यहाँ हमें कहते डॉक्टर नहीं है जी, अब आपका यहाँ नहीं हो सकता, आप चले जाओ। हम अपने आप देखते हैं हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, हम अपने बच्चे का इलाज कराते हैं, गलत है सही है जी। तो ये बात है जी, तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ के लिए मेरे से बहस करी, मैं पैसे दो पहले, फिर 112 मैंने बुलाई, जनाब आए, सबसे पहले तो इनसे यार यार करके बात कर रहे हैं जी ये साहब जो मौजूदा अपने सिपाही है शहर के, फिर इनको कह रहे, इनके भी यही बोल रहे कि पैसे दिला दो जी पहले हम कर दें काम, इनको भी यही बात बोली जी, पूछ लो ये गवाह है कितने खड़े सबको, ये भी इनको बोली। फिर जनाब ने अपनी जेब से 500 रुपये काट के अगले दिन लाए, भाई तो मेरे कहता कर दे। मैंने रोका जी, मैं क्या मुद्दा 500 का नहीं है, ये नहीं है कि मैं 500 रुपये नहीं दे सकूंगा, ठीक है जी। तो ये बात हुई, इनके साथ भी यही व्यवहार किया इन्होंने, तो मतलब मोदी जी कह डिजिटल इंडिया बनाओ। हाँ डिजिटल इंडिया बनाओ, वो इस हिसाब से तो मुश्किल है जी प्रोग्राम। तो बच्चे का मनिया दिखता है? दिखेगा जी। तो बच्चे के कान में जो है वो दिखाएंगे आपको, थोड़ा क्या फोकस हो सकता हो तो
है उस साइड से देखिए दिख रहे गोल्डन कलर का है। पैसे देने के लिए परिपक्व है 500 वाली अपने बच्चे के लिए पड़ोस के बच्चे किसी के लिए सारे बच्चे सबके समान है। उनके देखो 500 रुपये बड़ी बात नहीं, अगर राह चलते भी किसी बच्चे को तकलीफ है आप उस वास्ते ही 500 रुपये इलाज वास्ते कोई बड़ी बात नहीं मानते कोई भी आदमी करते हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्या मामला आया कब आया। हाँ जी दिलबाग जी भाई साहब इसकी भाई कॉल आई थी हमारे पास फंस रहा है गूगल पे कर गूगल पे नहीं आने के बाद उन्होंने बात करी तो बात करने वाली बोले पैसे नहीं दे रहे तो मैं खुद भी पैसे देने लग रहे हैं तो मां भाई इसका मनिया निकलवाए थे तो उसके बाद डॉक्टर को बुलाने बोले डॉक्टर खाना खाना लग रहा है उसके बाद बोले इसको निकलवाए था तो मेरे ख्याल में 20-25 मिनट हो चुके थे अभी तक तो डॉक्टर साहब आए बाकी देखो लंच तो आपको क्या लगता है आपके तरीके से भाई बच्चे का इलाज जरूरी है पहले इलाज तो बहुत जरूरी था इलाज तो जरूरी देखो भी कितनी देर में डॉक्टर आते हैं। ये डॉक्टर मैडम आए हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाने के लिए मेरे पास डॉक्टर साहब नहीं है पहले इसको बेहोश करेंगे और फिर लगाएंगे तो इन्होंने अब ये कहा है कि यहाँ पहले 500 रुपए में वो बंदा जो यहाँ था वो मनिया बिना बेहोश के साथ ही साथ काटा था जी कैसे काटा था हमने नहीं पता वो टेक्नोलॉजी क्या थी भाई के पास और अब ये कह रहे हैं जी बेहोशी वाले डॉक्टर नहीं है तो पहले नहीं किया था आप लोगों को मना भी आप दूसरे ना जी ना पहले तो आते ही बिल्कुल 100% कंफर्मेशन होके खड़े होके इनको 500 दे वही पे काट दिया मिनट तक पहला अब बात आई है जी बेहोश करेंगे पहले फिर निकाल देंगे उसमें डॉक्टर साहब थे बस अब हम तो बच्चे को लेके जी पहले मनिया के कहीं भी जाएंगे अगर ये बात हम पहले कह देते साफ सुथरी बात थी जी कह देते कोई बात नहीं क्या बात है कोई मशीन नहीं अब कह रहे जी बेहोश वाले डॉक्टर नहीं है जो बेहोश करेंगे पहले बेहोश करेंगे फिर निकाल लेंगे ठीक है जी तो थाना में जाओगे अब थाने में जाएंगे जी अपने यहाँ चौकी में दरखास्त देंगे ठीक है जी साहब और लोगों क्या कहना चाहोगे जब इस प्रकार का मामला आता है हॉस्पिटल के जी मैं तो जी क्या ही कहना चाहूंगा सबकी अपनी अपनी समस्या है बहुत से लोग यहाँ भी बीच में भी ऐसे खड़े थे जिन्होंने कहा तू भाई परेशान हो रहा है देखा पंखे करा देखा वही कारण है पीछे हटने का देश का और का अगर सारे सिस्टम से नहीं चलेंगे तो ये चीजें होती आई है होती रहेगी आगे भी होगा बच्चे सबके जागरूक होना पड़ेगा हर चीज के लिए अपना सही को सही कहना और गलत को गलत कहना कोई गलत नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल है बताओ ये खत्री हॉस्पिटल है जी जींद रोड नरवाना नियर बस स्टैंड की सुविधा सर कैसे लेस की सुविधा सर ऐसी है खुद भी देश का था ऐसी बात नहीं है कैसे भी तलब कर जाता कैसे ऐसे नियर निकालने की बात भी इसने रोना ही रोना था वो पैसे कैसे देना इतने पैसे इस भी दलित वो कर रहा था नहीं ये तो पहले कोई घटना हुई थी ऐसे किसी इलाज करवा लिया अभी सारा दिन यहाँ पे इलाज करवा के जाते हैं सारा कुछ सही होता है नहीं सर ऐसा भाई आप भी रोज देखते हो सारा दिन रोज होता है इलाज करवा लिया और पैसे ना दिए कुछ नहीं साहब सब कुछ यहाँ पर पैसे भी चल रहे सारा कुछ देखा जा रहा है साहब ये नरवाना में एक मन में डॉक्टर ये नहीं हुआ है ठीक है ना देखें सब रहे कुछ एक नाक कान कराए को यही संभाल रहे हैं और कोई नहीं संभाल रहे नरवाना को अगर लोग ऐसा हुआ हाथ पे करते रहेंगे तो आगे सबके बच्चे का भी सारे का भी इससे खराब होगा मतलब यहाँ पर फिर क्या दिक्कत आई है नहीं दिक्कत तो ये पैसे नहीं दे रहे कह रहे तो मैं तो पैसे हो करूँगा तो सामने भी कहे इसको मत ऑनलाइन की सुविधा नहीं है सर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है डॉक्टर साहब बैठे उस समय तो उनका पता चलता था पैसे आगे बिल्कुल डॉक्टर साहब बैठे तो पैसे कैसे चलेगा भाई आगे नहीं आगे इसके डॉक्टर साहब